वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब आप लोगों को ऋषिकेश के व्लॉग्स मिलने वाले हैं टाइम टू टाइम। सो या बाकी जैसे कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में कही था कि ऋषिकेश के व्लॉग आएंगे, तो अब आ गए, वो टाइम आ चुका है। सो अगर कोई भी नया होगा चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो बाकी ऋषिकेश जाके ही मिलते हैं यार, वहाँ की एक अलग ही वाइब है। मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा मन था ऋषिकेश जाने का। कि मेरे साथ है नितीश, राहुल, मम्मी और मौसी। तो गाइज़ ये है बस अड्डा और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं जेठी के घर क्योंकि इन लोगों का प्लान बन गया। पहले जेठी के घर जाते हैं, वहाँ बैग वैग रख के देन उसके बाद हम लोग घूमने निकलेंगे डायरेक्ट। तो बने रहो। बाकी त्रिवेणी घाट का रूट है, इस साइड रामजुला का रूट है। यार कांवड़ जा रही थी और इन भैया को ना दौरे पड़ गए यार, तो सही नहीं लग रहा। बाकी बहुत सारे आपको कांवड़ दिख जाएगी क्योंकि अब वही चल रहा है कांवड़ का पूरा। तो हरिद्वार से ही आ रहे हैं शायद ये लोग पूरे, इन भैया को पड़ा है यार। तो गाइस हम इन जेठी के घर पे रुके हैं और जेठी हमें यहाँ तक छोड़ने आई है। उसके बाद जेठी ने हमें रूट बता दिया और बाकी हम लोग अब पैदल करने वाले हैं सारा। तो थैंक यू जेठी, सब कुछ जेठी के बता वही चलो चले। तो गाइस सामने से दिख रहा है ना, ये है जानकी पुल। जानकी पुल और सीता पुल भी बोलते से। बाकी अब मैं ना हम लोग मस्त एक्सप्लोर करने वाले है ऋषिकेश को। पहले ना हमारा प्लान था पटना वाटरफॉल का और लाइक गोवा बीच आगे है वो पटना वाटरफॉल भी ना 10-12 किलोमीटर आगे, पर वो ना नीलकंठ वाली साइड है। तो फिर वहाँ ना कावड़ की वजह से ना मतलब ऐसे बहुत रश हो रखा है, तो बहुत मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना। और मेन चीज़ है कि स्कूटी, और यहाँ पे मेरे ख्याल से स्कूटी भी रेंट पे लेनी पड़ती है बट लाइसेंस ज़रूरी होता है, और हमारे पास किसी के पास भी लाइसेंस नहीं है। और अगर हम पहले से आते बुकिंग में भी उतने ऊपर तक नहीं जाता कोई भी, चाहे वो ऑटो कर लो कुछ भी कर लो। बाकी देखते हैं अभी हम लोग इधर ही एक्सप्लोर करने वाले हैं। मम्मी लोग पीछे आ ही रहे हैं, टोली आ रही है हमारी पूरी। राहुल सिंह इधर देख, इसमें ऐसी भीड़ है देख सकते हो। इधर भी सारे कांवड़ वाले हैं, मतलब पीछे तक भी आपको सारे कांवड़ वाले ही दिखेंगे। तो जो ब्रिज में बोल रही थी जानकी देवी और सीता, वो यही ब्रिज है। सारे कावड़ की लाइन लग रखी है भाई, कावड़ वालों की। बहुत ज्यादा रश है यार कावड़ वालों के चक्कर में। तो गाइस ये है स्वर्ग आश्रम गंगा घाट के जस्ट अपोजिट में, और यहाँ से आपको रामझूला दिख रहा है। गाइस ये है रामझूला ये वाला, और ये रात के टाइम और सुंदर लगता है क्योंकि पूरी लाइट्स ऑन हो जाती है। ये पूरा रामझूला है और इससे आगे लक्ष्मण झूला है और इसके पीछे जानकी देवी वाला पुल था। तो अभी आगे चलते हैं। ये गंगा व्यू मस्त लग रहा है ना गाइस। तो गाइस यहाँ देख रहे हो ये जिम वाले झूले लग रखे हैं। ये दोनों के दोनों मम्मी और मौसी उल्टा बैठ गए थे, ऐसे बैठना आप करो। हाँ ऊपर और ऊपर गिरी हो मत बस। ये देखो इसको, यहाँ पे इन लोगों ने जिम के लिए थोड़े लगा रखे हैं 3-4 चीजें। तो यहाँ ये देखो इसको। अबे चल भाई घूमना है हमने, जल्दी आ चलो। और वैसे ना बहुत सारी जगह स्वर्ग आश्रम है यार, मम्मी कह रही कितने स्वर्ग आश्रम है यार। नाम भी देखो क्या रख रखा है इन लोगों ने ऋषिकेश में। इस साइड ना इन लोगों ने बंद कर रखा है, ये जो बीच टाइप का था ना नहर, क्योंकि इन्होंने इसलिए कर रखा है यार बहुत तेज है, भाव बहुत तेज है इस साइड। बाकी अभी हम लक्ष्मण झूला साइड जा रहे हैं। गाय पीछे से भाग के आ रही है, मम्मी लोग डर गए बिल्कुल ही। ओ भाई साहब यहाँ तो सब कुछ बंद दिखा रहे हैं, गोवा बीच भी बंद है, बस कुछ कुछ मंदिर खुल रखे हैं। भूतनाथ मंदिर 13 मंजिला, उई चाट रही है मेरे को गाड़ी मेरी बच्ची, और कैसे चाट रही है भाई।
ना हर चीज बंद कर रखी है, वैसे ठीक भी है और कावड़ वगैरह है, तो इस चक्कर में ना नीलकंठ के तो दर्शन ही नहीं हो पाएंगे। मतलब नीलकंठ मंदिर है ऊपर साइड, वहीं पर ही पटना वाटरफॉल भी है, तो वहाँ तो बहुत रश है। तो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि मत जाओ क्योंकि वहाँ पे दर्शन होना बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा रश है, तो वहाँ जाके भी फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए हमें सोचा अब आए हैं तो फिर यहीं एक्सप्लोर कर लेते। तो गाइज ये है 13 मंजिला मंदिर, यहाँ के दर्शन करते हैं। ये है 13 मंजिला भाई, हर जगह तुम्हें हर भगवान जी मिल जाएंगे, मूर्ति हर भगवान जी की, और यहाँ से तुम्हें गंगा व्यू दिखेगा। यही था लक्ष्मण झूला, बट ये टूट चुका है, अभी ये बन रहा है पूरा लक्ष्मण झूला, और ये पूरा गंगा व्यू है यहाँ से। गाइज ये देखो यार बहुत ऊपर है 13 मंजिला मंदिर, 13। बारिश आने जैसा मौसम हो चुका है पूरा, और थोड़ी बूंदाबांदी होने स्टार्ट भी हो चुकी है यहाँ पे, और अभी भी हमारे ऊपर चढ़ ही रहे हैं, हम बस दर्शन कर ही रहे हैं फटाफट जल्दी जल्दी में, क्योंकि बारिश अगर तेज होगी। अब उस साइड देखो, पता है नहर के साइड ना कुछ लोग हैं, अब इतनी बारिश आ रही है तो ऐसे में कोई मतलब नदी में ही बह गया तो क्या होगा। तभी तो पुलिस वालों ने सब जगह बंद कर रखा, पता नहीं उधर का क्यों खोल रखा है, मुझे भी नहीं समझ में आया। बाकी जल्दी जल्दी हम दर्शन करते हैं। भाई मौसम और बारिश और ऋषिकेश, नहर का फ्लो बहुत ज़्यादा हो चुका है, गंगा जी का बहुत ज़्यादा फ्लो बढ़ चुका है, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने दर्शन नहीं किया, अभी बस चल ही रहे हैं हम लोग। टॉप व्यू ऋषिकेश का 13th फ्लोर से भाई, ये माता श्री, ये मौसी। भाई हो गई ऋषिकेश में मोटी बारिश शुरू, इतनी मोटी बारिश हो रही है कुछ बता नहीं सकते। और यहाँ पे भी ना आपको जो 13 मंजिला वाला मंदिर है ना, इसमें भी आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगे। भाई साहब यहाँ इतनी मोटी बारिश हो रही है ना, और दिल्ली में भी खैर आजकल बारिश चली रही है, पर मजा आ गया यार। तो गाइस हम लोग बारिश में खड़े, और अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट राम झूला की साइड, और फिर वहाँ से तो चलते हैं फिर डायरेक्ट। अब वहीं बारिश आ रही है, फोन गीला हो जाएगा तब मैं वीडियो शूट नहीं करूंगी, तो चलते हैं अब डायरेक्ट राम झूला के साइड, जहाँ से हम लोग आए वहीं से अब हम लोग रूट अपना जा रहे हैं। अब मस्त बारिश में गीले होते होते जा रहे हैं, अब थोड़ा बहुत तो रेनकोट से कवर हो ही चुका है, बट मौसम मजा आ रहा है यार, ऐसे भीगने का भी अलग ही मजा है। तो यार चलते हैं फिर, उसके बाद मिलती हूँ मैं। बारिश आ रही है पर फिर भी मौसी को रील बनानी है, मम्मी ये देखो मौसी को, आइए नतानियल जोकर, एक जोकर आगे जा रहा। तुम्हें चैन नहीं है, हम इतनी ठंड में भी आइसक्रीम खा रहे हैं, मस्त जनता आ रही है हमारी, ये रही जनता ही दे रही, जीप क्या चढ़ा लो एक जनता को यहाँ से मुंह दिखाई करो इसके और बाकी व्यू देखो, देखो रेन कैसा लग रहा है, चलो तुम तपोवन हो तपोवन इधर वहां खड़ बैठ, गाड़ी आ गई, गाड़ी अच्छा इसको दे दो ना, नहीं खाएगा ये, नहीं खाएगा रोटी देंगे बस, अच्छा पकड़े आएगा, नहीं खाएगा उसको, पता नहीं शरीफा है। तो गाइस हम लोग दोबारा आ चुके हैं राम झूला वाला, ये पुल है बेसिकली जो ये है, ये पूरा राम झूला का पुल है। उस टाइम हम गए नहीं थे, इससे हम लोग आगे चले गए थे क्योंकि बीच के चक्कर में बट सब कुछ बंद है अभी तो हाल फिलहाल, और भीड़ आप देख सकते हो, बारिश आ ही रही है। तो अभी हम शहर यहाँ से क्रॉस करके राम झूला, ये अभी हम लोग राम झूले में चल रहे हैं, ठीक है ब्रिज है जो, ये है मार्केट राम झूला की साइड। वैसे लेन में ना आपको बहुत सारे मार्केट मिल जाएंगे, जहाँ पे आप लोगों को हैंडमेड ज्वेलरी मिल जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे मस्त मस्त।
भाई अब बारिश बंद हो गई है एकदम। गाइस ऋषिकेश में भी खुल गया ये स्काई डाइन इनका। बाकी अभी हम ये तपोवन ही है, पूरा तपोवन एरिया, और अब नीचे ना लक्ष्मण झूला है। गाइस यहाँ पे देखो फॉरेनर्स मिल गए तो ये इससे बातें करने लग गए। सो यार बाकी हम सब जा रहे हैं नीचे। जिन लोगों से बातचीत हो रही थी वो अमेरिका के थे। नितिन बिल्कुल ही शर्माते हैं किसी से बात कर लेता है, ये चीज सही है। बाकी इसने बहुत लोगों से ऐसी अप्रोच करके बातचीत कर लिया, किसी से नहीं यही पूछा कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ से। इसको कोई लंदन से भी मिला था और ये अमेरिका के थे। वैसे अमेरिका के लाइक ऋषिकेश में बहुत कम लोग मिलते हैं। गाइस अगर थ्रिल फैक्ट्री जाना चाहोगे तो जरूर जाना। तो गाइस हम लोग तपोवन से तो होके आ गए नीचे साइड से भी, और हम लोगों ने फुल पेट पूजा कर लिया, लंच एकदम जम के किया है, कुछ ज्यादा ही खा लिया। और अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट जानकी देवी वाला जो ब्रिज था, जो अपने फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में देखा होगा, वही जा रहे हैं क्योंकि हमारी सेठी वही रहती है। तो अभी हम वहां जाएंगे और उसके बाद कपड़े चेंज करके देन उसके बाद हम जाएंगे त्रिवेणी घाट, जो मेन चीज है इस ब्लॉग के लिए। त्रिवेणी घाट जाने वाले हैं हम लोग, क्योंकि त्रिवेणी घाट में मैंने सुना है बहुत अच्छी आरती होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी। तो अभी पाँच बज चुके हैं ऑलमोस्ट, पाँच से ज्यादा ही हो गया होगा टाइम, और अभी हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट। जल्दी से चेंज करेंगे उसके बाद जाएंगे डायरेक्ट। गाइस इस शक्ल को ध्यान से देखो, मौसी बहुत बहुत ही ज्यादा कमजोर है, चक्कर खाने वाले। जैसी वीडियो ऑन करी एकदम चक्की बन गई मौसी। वैसे मौसी का बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा था, और अब हम रिक्शा ले लिया अपने डायरेक्ट राम झूले के लिए। तो उसके बाद हम लोग जानकी देवी पहुंच जाएंगे, फिर चेक खा के घर। दोबारा पहुंच चुके हैं हम अपने राम झूले के साइड। अब हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी घाट, और अब हम आप लोगों को मिलेंगे। लाइक ये व्लॉग मैं एंड कर दूंगी, और जो कंटिन्यू होगा व्लॉग वो त्रिवेणी घाट से होगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट व्लॉग।